बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के उस बयान की जिसने अब कहीं ना कहीं घमासान मचा दिया है। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे का प्रेम का जिस तरह से जाहिर किया और देशभक्त उन्होंने बता दिया, उसके बाद संसद के अंदर बवाल गूंजा और ये बवाल अब बाहर भी हो गया है। जहां विपक्ष इस पर हंगामा कर इसको निंदा बता रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की है। देखिए रिपोर्ट। एक मिनट। मंगलवार शाम को संसद में हुआ हंगामा देखा आपने? अब जरा इस हंगामे की वजह को भी समझिए। सदन में डीएमके सांसद इराजा एसपीजी सुरक्षा पर अपनी राय रख रहे थे। जिक्र महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का किया। बस इतनी सी बात प्रज्ञा ठाकुर को नागवार गुजर गई। इस कदर नागवार कि एक बार फिर वही गलती दोहरा दी। एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त की डिग्री थमा दी। महात्मा गांधी मर्डर केस व्हेन द अपील वाज फाइल्ड बिफोर द अपलेट कोर्ट ही मेड अ स्टेटमेंट गोडसे मेड अ स्टेटमेंट आई मे बी परमिटेड टू रीड फ्यू सेंटेंसेस आई कोट द अक्युमुलेटिंग प्रोवोकेशन ऑफ 32 इयर्स culminating in his last माननीय सदस्य प्लीज। गोडसे को देशभक्त बताने के साथ ही एक बार फिर लोकसभा में सवाल उठने लगे। एक बार फिर हंगामा किया गया। अपने बयानों से बीजेपी के लिए मुसीबत बने प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा सलाहकार समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुद प्रज्ञा के बयानों पर सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है, हमारी सरकार भी कंडम करती है। नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानने वाली प्रज्ञा ठाकुर का गोडसे प्रेम पहली बार सामने नहीं आया। इससे पहले भी प्रज्ञा ठाकुर नाथूराम गोडसे को हीरो करार दे चुकी है। साध्वी ठाकुर के सोच और उस सोच का असर आगे दिखाएंगे, लेकिन उस बयान से पहले ताजा बयान के और उसके बाद हुए घमासान को भी देखिए। विपक्ष एक बार फिर सवाल उठा रहा है। एक बार फिर कांग्रेस प्रज्ञा के नाम पर बवाल मचा रही है। फिर कांग्रेस ने प्रज्ञा के बहाने पीएम और गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी पर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस पर विचार करें और तय करें कि क्या करना चाहिए। दैट्स द हार्ट ऑफ द बीजेपी ना, दैट्स द सेंटर ऑफ द बीजेपी, दैट्स द हार्ट ऑफ द आरएसएस, व्हाट कैन आई से। आई एम That's the heart of the RSS. What she's saying in the वो छुपाया था, यू छुपाया छुपाया थोड़ी जा सकता है। उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी, वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। प्रज्ञा के बयान पर बीजेपी ने एक्शन तो ले लिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अजीबोगरीब बयान आना बंद नहीं हुए। एक तरफ साध्वी बयानों को उनके अपने विचार बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बीजेपी की विचारधारा बता रही है। प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही है? प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है, उनको भी बोलने की स्वतंत्रता है, आपको भी बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे भी बोलने की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति के विचारधारा को पार्टी के विचारधारा से जोड़ के नहीं देखा जाए। सी एक कोई व्यक्ति का बयान नहीं है, पार्टी का विचारधारा है, विचारधारा के खिलाफ हम लोग पार्टी को, ये बीजेपी पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरीके की घटिया बयान क्यों उनके सदस्य दे रहे हैं, जब प्रधानमंत्री खुद कहे थे कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, फिर भी ये क्या हो रहा है? बिना मदद ऐसे नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं जब बीजेपी की भगवा ब्रिगेड की सोच ने गोडसे को महान बताया। बात मध्य प्रदेश के चुनाव की है, जब एक बार फिर प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे का नाम लिया था, अपने विचारों में गोडसे को देशभक्त करार दिया था, तब भी साध्वी ने गोडसे की गजब परिभाषा गढ़ दी थी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे।
ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा की जड़ें जहां हैं, वहां दिल और दिमाग तक ऐसी ही सोच पहुंचती है। प्रज्ञा खुद को साधु कहती है, गेरुआ कपड़ा पहनती है, लेकिन सियासत पूरी करती है। गोडसे को देशभक्त बताने वाली उस सोच पर तब भी सवाल उठे थे, तब भी माफी मांगी गई। पीएम मोदी ने तब भी कहा कि उनको दिल से माफी नहीं मिलेगी। बावजूद इसके रक्षा मंत्रालय में पद जरूर मिल गया, लेकिन शायद माफी न मिलना ही वजह है जो आज भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए गोडसे महान है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।